मेरा नाम प्रतीक देसरडा है, मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र पुणे से, और मेरा 1734 किलोमीटर मैंने अभी तक साइकिल का सफ़र किया है मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो क्या आप उनसे मिलने के लिए आए हैं? हाँ, मैं उनको मिलने के लिए आया हूँ। हर रोज़ 125-150 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ। पिछले 9 साल में जिस प्रकार के निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं, जिस प्रकार भारत देश का विकास हुआ है, G20 के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में अपना एक अलग ही नाम देश का हुआ है, अपनी सबकी भारत देशवासियों की छाती चौड़ी हो गई है उनकी वजह से, तो मैं उनको अभिवादन करना चाहता था, उनको एक समर्पित भावना से उनको शुभेच्छा देना चाहता था। तो मैंने ये सोचा कि अपन साइकिल चला के उनको ये शुभेच्छा दें। तो 1700 किलोमीटर आपने सफ़र किया, कहाँ रुके, कैसे खाया पिया, क्योंकि सफ़र कम नहीं होता है, और मोदी जी के आगे क्या ये चीज़ें आपको बड़ी लगी? नहीं, ये तो बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये छोटी बात है, क्योंकि उन्होंने जो देश के प्रति समर्पण किया है अपने पूरे ज़िंदगी का, तो मेरे को लगता है ये बहुत छोटा अभिवादन है उनके लिए, और कुछ बड़ा होना चाहिए उनके लिए। और मैंने आते आते जितनी भी धर्मशाला है वहाँ पे मैं रुका हूँ, वहाँ पर ही मैंने खाना खाया है। हर रात को मैं 9-10 सुबह 6-7 बजे से साइकिल चालू करके 9-10 बजे तक रात के साइकिल चलाता था। हर रोज़ 150 किलोमीटर का, 125 किलोमीटर का ऐसा मैंने साइकिल का सफ़र किया है। मोदी जी के बारे में अच्छी चीज़ क्या लगती है? उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनके देश के प्रति समर्पित भावना, और वो जिस प्रकार पूरा दिन 2400 घंटे देश के बारे में सोचते, वो अच्छा लगता है। नहीं, मैंने मेल डाला था, उनको पत्र भी भेजा था, लेकिन शायद G20 और 18 तारीख को भी कुछ तो है, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया है।